बस कर दो शैतानिया। ओ मेरी क्यूटी पाइज, वो देख लो मेरे सोफे का क्या हाल कर दिया गाइस, दोनों लड़कियों ने मिलकर। है लोग कहते हैं मेल डॉग शैतान होते हैं, फीमेल सुथरी हुई होती हैं। देख लो सारे सोफे खराब कर रखे हैं मेरे, एक दूसरे के मुंह से ना बॉलम बॉल खेल रहे हैं। क्लोई पंगे मतलब उससे, वो बॉल नहीं देगी तेरे को। भाई क्लोई ने दांतों में ना बॉल फंसा ली है, बॉल फंसा ली क्लोई ने दांतों में। क्लोई पंगे मतले भैन, क्लोई पंगे मतले, वो तेरे को नहीं देगी और तेरे निशान पड़ जाएंगे क्लोडो। देख लो गाइस रॉटवाइलर्स ना इतने शैतान होते हैं, देख लो देख लो आप देख लो। तो गाइज यहाँ पे ना हमारी जो छोटी सी पपी है ना रॉटवाइलर क्लोई, वो हमारी जो टॉडलर जर्मन शेपर्ड है ना जोई, उससे ना बॉल छीनने की कोशिश करी उसके मुंह से। ओके नो फाइटिंग गर्ल्स, बॉल किसी के पास भी नहीं है, बॉल हट चुकी है रडार से, रुक जाओ लड़ाई नहीं करनी। देख लो लड़ाई हो गई, मैं एज अ मदर ना इनकी लड़ाई रोक दूं पहले। जोई नो 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 जोई, जो बी अ गुड गर्ल, क्लोई उछल मत। अब देखो ना क्लोई ही उछल रही है सबसे ज्यादा, जोई को तो मैंने पकड़ लिया, कंट्रोल कर भी लिया, पर क्लोई नहीं मानती। अब तो उसको मारेगी तो वो भी तो देखो पकड़ के मारेगी ना। जोई नो, अच्छा जोई ये लो आप, मैं इनको ना बॉल ही देती हूँ, एंगेज नहीं। चलो ये हाय हाय मेरे हाथ से बॉल क्या छूटी, ये लड़कियां फिर पागल हो गई हैं। लो क्लोई, जोई को तो ना बेस्ट तरीका पता है कि मैं सोफे पे चली जाऊं, छुप जाऊं वहां पे। नो जोई, हाँ अब ये पकड़ के बैठेगी, अब ना देती है क्लोई को, पर ये क्लोई नहीं बाज आ रही गाइस, देख लो फिर चलेगी बॉल। रुक जा जोई, मम्मा देगी, रुक जा। हाय 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 हाय, लड़ाई देखो गाइस किस लेवल की लड़ाइयां कर रही है लड़की। भाई मैं अपना टीवी का रिमोट छुपा लूं, पता चले ये भी गया। चलो नो फाइटिंग, क्लोई एस्केप कर रही है यार, देख लो सीरियसली हद हो गई यार जोई। और क्लोई खुद खुद के भाई इसी बहाने ना क्लोई सोफे पे चढ़ना सीख जाएगी, मुझे ऐसे लग रहा है। उसको चिढ़ा रही है जोई, चिढ़ा क्यों रही है क्लोडो को। ओ माय गॉड, देखो उसके मुंह से ना निकालने को, ओ इसका मुंह मत दबा। देखो देखो लड़ने के चक्कर में बॉल भी छूट गई जोई की, जोई गिर जाएगी, क्लोई पंगे मत ले। भाई इनकी तो लड़ाई है कितनी ज्यादा टॉप लेवल की हो चुकी है, एक दूसरे को काटम काट खाई हुई है इन्होंने। जोई देखना कैसे उतरी है सोफे पर से, बॉल लेके एग्जिट मार ली जोई ने फिर से। जोई नहीं, क्लोई के मुंह में बॉल है, ओ शिट क्लोई के मुंह में बॉल है। जोई ते तो चौप हो गई, हार गई तू बेटा, उसके पास है बॉल। क्लोडो दो दो बॉल ये रही, हाँ मेरा आईफोन का चार्जर। क्या क्या छुपाओ मैं लड़कियों से, ओए 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 देखना, ओए ओए एक दूसरे के मुंह से बॉल निकाल रहे हैं गाइज। ये तो सबसे बेस्ट वाले क्यूट मोमेंट्स है आज के ना, क्लोई और जोई के। देख लो कहाँ दबा के बैठ गई है ये बॉल को, अब देखते हैं क्लोडो क्या करती है। क्लोडो जा जल्दी जा लेकर आप बॉल, अब देखते हैं गाइज अब देखते हैं। मेरा ना न्यूज़पेपर तक फाड़ दिया उन्होंने अपनी लड़ाई में, अब कैसे चलेगी। तो गाइस देख लो पहुंच ही गई है ये, पहुंच ही गई क्लोई। क्लोई तेज है भाई, क्लोई तेज है, क्लोई में ना ओला का दिमाग और बब्जी की शक्ति है ना, क्लोई में ओला का दिमाग और बब्जी की शक्ति है। देख लो गाइस देख लो, और ये कैसे ना चंचल होके ना लड़कियां आपस में खेल रही हैं, ये नजारा ना कितना रेयर है गाइस, कितना रेयर। कैसे जर्मन शेपर्ड एक साल की और ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स की हमारी रॉटवाइलर पपी कैसे एक दूसरे के साथ ना बॉल से खेल रहे हैं, कैसे वो उसके मुंह से बॉल निकालने की कोशिश कर रही है। एक बॉल और इनका गेम, एक के पास होती फिर दूसरे के पास, और कैसे ये लोग एक दूसरे को अटैक और डिफेंड कर रहे हैं प्लेफुली प्लेफुली गाइस। देख लो अब बॉल किसके हाथ में है, अब बॉल है क्लोई के मुंह के अंदर, और जोई ना अब पूरी कोशिश करेगी कि क्लोई के मुंह से ना बॉल निकाल ले, क्योंकि जोई को बॉल इतनी पसंद है, यही इसकी जो प्ले ड्राइव है ना यही इसको हमेशा मोटिवेट करती है। अब जोई ना कोई प्लान बना रही है कि कैसे मैं क्लोई के मुंह से ना बॉल निकालू। अभी नीचे उतरेगी पक्का सोफे से, देख लेना आप, और प्लान बनाएगी कि बॉल कैसे निकालू, देखते हैं कैसे निकालती है उसके मुंह से बॉल। फिलहाल बॉल क्लोई के मुंह में है, जोई ये कौन सा तरीका है। और अब गाइस देख लो ये कैसे उसके मुंह से बॉल छीनेगी, जोई गुब्बारा मत खा, ओए गिर गई। अरे मेरे ऊपर जा जोई बॉल लेकर आ। अब फाइनली वो मोमेंट है जब बॉल दोनों के मुंह के बीच में है, कोई भी मुंह से बॉल निकालने के उसमें नहीं है, लेकिन जोई ने बाजी मार ली, क्योंकि जोई ने ली एक बिग जंप, एक दांत अड़ा के बॉल के अंदर उसने बिग जंप मारी, बॉल ले गई। अब वापस वो मोमेंट आ गया जब क्लोई रॉटवाइलर पपी क्लोई उसके मुंह से बॉल छीनने की कोशिश कर रही है, क्लोई ने भी अपना दांत बॉल में फंसा लिया है, और उसके बाद वो खींचने की कोशिश करी, पर मुझे लग रहा है क्योंकि जोई सोफे पे बैठी है तो जोई की ग्रिप ना गाइस ज्यादा स्ट्रांग है, नहीं ले पाई गाइस, क्लोई नहीं ले पाई। और फिर से दूसरी बार अटेम्प्ट किया है क्लोई ने, देखते हैं। हो घुर्राना नहीं है, ऐसे नहीं मिलती चीजें, जोई की तरह समझदार बन, और जोई ने उसका मुंह ही लॉक कर लिया, और अब फिर से कोशिश जारी है। नो 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 नो
नो नो जोई नो 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 जोई ने बॉल छोड़ी और उसको पिन डाउन करने की कोशिश की। अब जोई ने फिर से बॉल ना बहुत टाइटली पकड़ लिया, लेकिन बॉल देख लो गाइस दोनों के मुंह के बीच में, बिल्कुल दोनों के मुंह के बीच के अंदर बॉल है, बिल्कुल दोनों के मुंह में। ले गई क्लोई गाइस, ले गई क्लोई। नहीं नहीं नहीं, अभी भी गाइस बॉल दोनों के मुंह के बीच में है। कौन लेके जाएगा फाइनली ये बॉल, कौन लेके जाएगा? ओ शिट गाइस, ये तो बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर होता जा रहा है। देखते फाइनली कौन लेके जाता है बॉल। जोई दे दे उसको बॉल। क्लोई भी ना हार नहीं मान रही, वो कह रही पपी हूं तो क्या हुआ, हूं तो मैं रॉटवाइलर ही। ले गई गाइस क्लोई फाइनली बॉल ले गई। मुझे लगता है जोई थक गई थी या फिर जोई को क्लोई पे प्यार आ गया। नहीं तो ये हमारा जर्मन शेपर्ड जोई है ना, इतनी आसानी से हार मानने वाली लड़कियों में से नहीं है। ये शेर है हमारा शेर, ये हमारे घर की शेरनी है। इसने कहा चलना चल, तू बब्जी की बच्ची है, ओली की बच्ची है, इसलिए मैं तेरे को दे रही हूं। नहीं तो तू है क्या, तो जैसी चीटी को तो मैं 2 सेकंड में ना वो कर सकती हूँ। लेकिन जोई ने एहसान किया क्लोई पे। ओ अब जोई ना पूरा अपना भार लेके क्लोई पे गिर गई और क्लोई डर गई। क्लोई ने कहा ये कौन मेरे ऊपर इतना भारी सा गिर गया। लेकिन मुझे लग रहा है ये जान के एक दूसरे को बार बार दे रहे हैं और एक दूसरे से वापस ले रहे हैं बॉल, ताकि ये गेम जो है वो कंटिन्यू रहे और पूरा दिन मैं अपना काम धाम छोड़ के इनके इस गेम के झांसे में आ जाऊं। बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम दोनों। हाँ अल्टीमेटली तुम दोनों एक टीम हो और तुम बना रहे हो मुझे बेवकूफ। देख लो एक दूसरे को जान के दे रही है गाइस, ताकि ये एंटरटेनमेंट चलता रहे और मैं बैठ के यहाँ पे इनकी वीडियो बनाती रहूं। अब देख लो बॉल बीच में, अब कोई नहीं ले रहा, अब बॉल खाली पड़ी है, अब कोई नहीं ले रहा बॉल को। देख लो इन्होंने मुझे लिटरली बेवकूफ बनाया है, बहुत बेवकूफ बनाया है इन्होंने मुझे, इन लड़कियों ने राहुल मुझे आज बेवकूफ बना दिया है। इनको बॉल नहीं चाहिए, इन ये मुझे बेवकूफ बना रही है। राहुल बहुत तगड़े वाला कटा है आज मेरा। अब बॉल चली गई है क्लोई के मुंह में, अब जोई ने फिर से पकड़ ली। देख लो गाइस बॉल कहाँ है, बॉल दोनों के दांतों के बीच में फंसी हुई है। देखते इस बार कौन लेके जाता है, जर्मन शेपर्ड या रॉटवाइलर पपी। लेकिन ले गई है रॉटवाइलर की जगह जर्मन शेपर्ड ये बॉल, और रॉटवाइलर पपी को आया बहुत गुस्सा। जर्मन शेपर्ड कह रही है मैं तेरे को अपनी टांगों से मार मार के तेरे को ना सबक सिखाऊंगी। क्लोई ने ना बॉल लेने की कोशिश की, जोई ने घुर्राया। और ओ माय गॉड जोई इतनी चलाक निकली है, जोई ने ना अपने नीचे बॉल को दबा लिया है, जोई ने पैर दबा लिया है मुंह के अंदर क्लोई का। लेकिन क्लोई कह रही है तू होगी जर्मन शेपर्ड, लेकिन तुझे पता नहीं है मैं किसकी औलाद हूँ, मैं हूँ बब्जी और लेडी ओली की बेटी, और तू किस खेत की मूली है, तू कहाँ से आई है, तेरा तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, तेरा सिर्फ राहुल पापा को पता है, वो लेकर आए थे तुझे, बाकी किसी को कुछ नहीं पता कि तू कहाँ से आई है। तू होगी जर्मन शेपर्ड कहीं की, मैं जर्मन और अमेरिकन रॉटवाइलर का प्योर मिक्स हूँ, प्योर मिक्स। और अब देख लो गाइस बॉल पीछे कर दी है, और इसने जर्मन शेपर्ड ने अपनी लंबी नाक का फायदा उठाया, बॉल को अंदर बाड़ा, लेकिन क्योंकि रॉटवाइलर की तो नाक बहुत ही छोटी होती है तो अंदर घुस के बॉल नहीं ले पाएगी, और दोनों में हो गया घमासान युद्ध। क्लोई को बहुत गुस्सा चढ़ गया कि तू जर्मन शेपर्ड है, तूने अपनी लंबी नाक का फायदा उठाते हुए बॉल को अंदर बाहर दिया है, मैं कैसे निकालू। अब वो पूरी कोशिश कर रही है अपनी टांगों से बॉल को खींचने की, पर वो नहीं निकाल पाएगी, इस बॉल को निकाल पाएगी सिर्फ ये लंबी नाक वाली जर्मन शेपर्ड, जो अपनी की पूरी लंबी नाक घुसाड़े बैठी है इस सोफे के नीचे। पर वो बॉल निकालने में हो गई है नाकाम, क्योंकि लंबी नाक इतनी भी लंबी नहीं है कि उस अंदर फंसी हुई बॉल को निकाल सके। यहाँ क्लोई आ गई है, मम्मी की टांगों के अंदर फंसा लिया है अपने आप को। मम्मी बॉल दिला दो, मैं नहीं दिला रही तेरे को बॉल, है तुमने कलेश कर रखा है दोनों लड़कियों ने। ओ माई गॉड, अब मेरे को पानी पीना पड़ेगा गाइस। मैं बन गई हूँ टकेशीज कासल की जावेद जाफरी, ऐसी कमेंट्री तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं दी। पर ये नजारा आज का जो था वो इतना अमेजिंग था कि मेरे मुंह से ये शानदार कमेंट्री अपने आप ही निकलती गई। और पीछे कोने में खड़ा राहुल हंस रहा है, कह रहे जो करोगे ये मेरी बीवी। मजा आया तुम्हें? तुम्हें कैसे बोल रही है? मैंने परसों खाया था, नहीं टकेशीज कैसल का वो नहीं, जावेद जाफरी। वैसे तो बस कर दो लड़ाई, मेरे फोन की मेमोरी खत्म हो जाएगी, इससे ज्यादा तो ऑडियंस भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक दूसरे को टांगे मार रहे हो, मत करो कलेश इस घर में मत करो। पहले दो लड़के हमारे शिवाय और जय कम थे, जो ये दो सीता गीता आ गई है लड़ने के लिए। बस कर दो लड़कियों, बस राहुल ही चुप कराएगा इनको, तभी मेरे क्यूट मोमेंट्स की वीडियो यहाँ खत्म हो जाएगी। गाइस चुप करा दो राहुल इनको, बस करा दो। क्या कर दूं, चावल डाल देती हूँ, चाय बना देती हूँ, तुम इन लड़कियों को बोलो बस कर दे। जोई, अगर ये बस नहीं करेंगी तो मेरा कॉन्टेंट मिस हो जाएगा।
हाँ जी गुड पर वो नहीं मानेगी ना, वो नहीं मान रही, उसका प्यो भी मानेगा। ये किसने गायब कर दिया है दोबारा? ये शिवाय ने। तो गाइस इसी के साथ हम इस क्यूट मोमेंट्स वीडियो को करते हैं बाय बाय। और इसी के साथ शिवाय उठ गया है और आने वाला है यहाँ पर, और शिवाय की तबीयत पूछते कैसी है। हाय गुड मॉर्निंग, इतना फ्रेश उठे और इतना खुश इसीलिए क्योंकि इसकी हो गई है स्कूल की छुट्टी। बारह गर्दे शिवाय बोल, क्यूट मोमेंट्स की वीडियो यहीं खत्म होती है। मैं जा रहा हूँ घूमी घूमी करने, टाड़ा बाय।